बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैमिली फन इन मरियम किचन में सबको खुश आमदी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखी नसीब फरमाए, और अचानक आने वाली तकलीफ़ मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, जब ये आप व्लॉग देखेंगे तब ईद भी गुजर चुकी होगी, चांद रात भी गुजर चुकी होगी, और रमज़ान तो डेफ़िनेटली इससे पहले ही गुजर चुका होगा। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक, चांद रात की भी बहुत बहुत मुबारक, और छोटी ईद की भी ढेरों सारी मुबारकें। अल्लाह आपको ये खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये चांद रात का व्लॉग है। फैमिली के साथ मैं आई थी, हमने चांद रात को कैसे सेलिब्रेट किया आइए देखते हैं। चेक करो जरा, चेक मेरा एम्ब्रॉयडरी बाहर में सुबह से ले आंदे सी, मार्केट में बाहर लगे ऐसे 1500 है नकल ही नंबर टू बेसिकली देखा जाए। ड्राई फ्रूट फिर बंद कीजिएगा इसकी वीडियो। थैंक यू जजाकअल्लाह। अच्छा से होगा बंद बंद करके तो ना अली मैं फिर अली दे व्याह दे आंदे सी, मेरी सहेली मन दे गई ते हसन फिर ने कहा मैं कहा आशा दी तो एहो जी अली दे व्याह दे मैं ले आंदी सी मेरा हाल उदों उस तरह दी माशाल्लाह से चांद रात में बहुत रौनक मेला था, और यहाँ पे स्टॉल भी बहुत सारे लगे हुए थे। चीज़ें हमने एक आने की भी नहीं ली, लेकिन कमेंट हमने सब पे दिल खोल के किए। माशाल्लाह से कपड़ों के काफी स्टॉल थे और प्यारे कपड़े भी थे, लेकिन जब आप पाकिस्तान शॉपिंग करते हैं, पाकिस्तान से ला के कपड़े यहाँ पहनते हैं, तो पाकिस्तान के कपड़ों का यहाँ कोई मुकाबला नहीं, हालांकि ये भी पाकिस्तान से ही आते हैं। माशाल्लाह से जी, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मस्जिद है, और इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी मस्जिद ये कहलाती है। इसका नाम है मक्की मस्जिद और इसके 3 फ्लोर हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, कपड़ों की विंडो शॉपिंग के बाद अब हम चलते हैं स्टेज की तरफ, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने इस चांद रात को माशाल्लाह से अरेंज किया है। स्टेज के ऊपर माशाल्लाह से बड़ी गहमा गहमी थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थीम कलर रखा हुआ था ड्रेस का, येलो और रेड, और माशाल्लाह से तमाम खवातीन, बच्चे, बड़े सभी बहुत प्यारे लग रहे थे, और ईद चांद रात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब ने सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान।
माशाल्लाह से जी अवैसे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के नारे के ऊपर इनकी भी आवाज़ें बहुत गूंजती है। माशाल्लाह से पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। यहाँ पे जो बच्चों को गिफ्ट दिए गए थे डिफरेंट किस्म के, इसके अंदर क्या था ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट जो है वो बांटे गए थे। मेरे साथ मैच कर रहा है तो वो आए, अगर किसी का सूट मेरे साथ ये छोटी बच्ची मैच कर रही माशाल्लाह से जी यहाँ पे आपने देखा कि जो थीम रखी थी इन्होंने, कम्युनिटी वालों ने जो सेलिब्रेट किया है उन लोगों ने येलो और रेड की थीम थी, और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि जिन्होंने हमारे तरह के कलर्स के कपड़े पहने होंगे वो स्टेज पे आएँ और उनको इनामात जो हैं वो दिए जाएंगे, जैसा कि वो माशाल्लाह से दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। माशाल्लाह से जिस जगह पे चांद रात का मेला सजाया गया है इसको कहते हैं लिटिल पाकिस्तान, और ये हमारे घर से बिल्कुल 2-3 मिनट के फासले पे है, रोज़ हमारा गुजर यहाँ से होता है, और इस जगह को इस चीज़ से भी नवाजा गया है। शुरू में आपने साइन देखा होगा जिसके ऊपर लिखा था लिटिल पाकिस्तान, तो बाकायदा इसको साइन लगा के इसको एजाज़ दिया गया है कि ये छोटा पाकिस्तान है। माशाल्लाह से ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपने फिर वो ही लिया, लास्ट ईयर भी यही लिया था, बस इसकी है। लेट मी सी, खराब किसने की है? खुद ही इधर उधर लोगों ने। माय गॉड, ये हिली तो नहीं रही जी, साथ में भी हूं, मामा के साथ खड़ी हूं। नाना को हेलो कर दो। ओए चली हुई है। और चांद रात के इस पूरे मेले में ये तो याद ही नहीं रहा कि फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाते और फैमिली से भी आपकी थोड़ी बातचीत करवाते और दिखाते कि उन्होंने चांद रात के इस मेले को कैसे सेलिब्रेट किया है। वो हमारे साथ साथ ही थे, बातें आपने हमारी सुनी होंगी लेकिन चेहरा जो है वो हम आपसे शेयर नहीं कर सके, क्योंकि चांद रात के मेले में इतने हम लोग बिजी थे कि हमारे जहन में रहा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से आपको आगे बड़े प्यारे प्यारे से व्लॉग जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चांद रात का व्लॉग था। और आगे जो ईद आई है माशाल्लाह से हम ईद टरूँ मरूँ उसके बाद भी काफ़ी बिजी रहे हैं, हमारी काफ़ी ईद में पार्टीज़ जो हैं वो होती रही हैं और हम इसको बड़े भरपूर तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। इंशाल्लाह वो सारे व्लॉग आपके साथ डिफरेंट पार्ट में शेयर करेंगे, उम्मीद है कि आपको वो सब बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और स्टेज की तरफ से होके जा रहे हैं, तो व्यूअर्स एक झलक आपको फिर दिखा देते हैं पूरे चांद रात के मेले की और स्टेज की, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ईद मुबारक।